Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, sari sari link in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe hain Thagesh ka one of the recent videos, Alia Bhatt and Brahmastra movie boycott. Too much? Question mark. ओके आई डोंट नो कि ट्विटर पे कुछ बॉलीवुड मूवीज कुछ नहीं, आई मीन आई थिंक सारी बॉलीवुड मूवीज को बॉयकॉट हो रहा है, वट एवर दैट इज, बट ओके आई डोंट नो वट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो. ये सिर्फ उसके ही वीडियो होने वाली या फिर उसको भी समथिंग एल्स जो मुझे अभी दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है खबरेश इज बैक. मैंने उनका एक वीडियो देखा था एज इन द रोल ऑफ खबरेश एंड आई एंजॉयड इट कि हमको काफ़ी सारी न्यूज़ जानने को मिल रही थी और कैसे किस तरीके से, यू नो वी आर हैविंग फन विद इट एज वेल. सो होपफुली इसमें भी मजा आएगा एंड वी लर्न समथिंग न्यू सिंस इट्स ए न्यूज, राइट? ओके लेट्स गो, लेट्स गेट इट. होप टू एंजॉय प्लेइंग. क्या आपको पता है सलमान खान एक बिग बॉस के एपिसोड का कितना चार्ज करता है? पिछले सीजन सलमान खान ने 350 करोड़ लिए थे. Yes, but reports के अनुसार इस साल that figure is something. डिमांड किए 1000 करोड़ पूरे सीजन के. वाओ मतलब बिग बॉस में ऐसे लोग आते, अगर मुझे भी उन्हें झेलना होता ना मैं भी 1000 करोड़ ही मांगता. That's kind of true. Miss me? सही है. Catch you. Dead. Welcome to the new episode of the late night खबरेश show. Thank you. सलमान खान को छोड़कर चैनल वालों ने अभी रोहित शेट्टी को अप्रोच किया ऐसा कहा जा रहा है. कोई बात नहीं, रोहित शेट्टी की मूवी सर्कस आ रही है अभी थोड़े टाइम में और बिग बॉस कोई सर्कस से कम है भी नहीं. अग्री. Nice. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाज भाई की न्यू मूवी आ रही है जिसका पोस्टर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इंटरनेट पर लोग तुरंत बोलने लग गए कि ये तो अर्चना पूरन सिंह है. मतलब भाई मुझे लगता है कि नवाज को लेने से अच्छा अर्चना को ही ले लेते. नहीं मतलब आप पोस्टर देखिए, ढंग से देखिए. no, ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्चना को अभी अभी किसी ने बोला है कि सिद्धू जी इलेक्शन हार गए और फिर से आपकी सीट लेने आ रहे हैं. तो ध्यान से देखो. एनीवेज भाई एक ही ऐसी सीट है जो सिद्धू जी जीत सकते हैं और कोई नहीं. और क्या ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है बहुत जल्द एंड जितनी जल्द आने वाली है उतनी जल्द इसका बॉयकॉट कैंपेन शुरू हो गया. यस एक्चुअली रणबीर कपूर ने कुछ टाइम पहले बोला था कि उनको बीफ खाना बहुत पसंद है क्योंकि वो पेशावर साइड से है. ऐसा अच्छा. पाया बीफ रेड मीट है. I'm a big beef guy. अभी अभी रिसेंटली आलिया भट्ट ने भी बोल दिया कि मेरी मूवीज देखना है तो देखो, नहीं पसंद तो मत देखो. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. देखो मैं बोलता हूँ, बॉलीवुड वालों कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ. यार सच्ची बोल रहा हूँ, सिर्फ फिल्म्स रिलीज करो भाई, कोई इंटरव्यूज मत दो प्लीज. बड़े बड़े ढांचे देते हो फिर फिल्म तो चलती नहीं तुम्हारी. हाँ चाय से ज्यादा कितली गर्म होती है. देखो पर्सनली मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है ये फिल्म से. दिल से चाहता हूँ ये फिल्म हिट हो. तो प्लीज एक्टर से दरखास्त है कि इंटरव्यूज ना दे. बेचारा आयान मुखर्जी 8 साल से पिक्चर बना रहे, इंटरव्यू के चक्कर में वो भी डूब जाएगा. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी आ रही है कि कमाल खान को अरेस्ट किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. okay. उनको इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि बॉलीवुड वालों को लग रहा था कि ये ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करा देंगे. नहीं मतलब केआरके अगर एक फिल्म बॉयकॉट करा सकता तो भाई बॉलीवुड वाले उसको पहले ही पैसे देके खरीद लेते ना. करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या? करण जौहर भाई जी क्या करे, करण जौहर का थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना. अगली न्यूज आ रही है कंगना रनौत जी की. तो अभी अभी फिल्म फेयर ने कंगना रनौत को नॉमिनेट किया था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. और ऐसे में जनरली कोई और एक्टर हो तो क्या करे, वो जाके अवार्ड ले ले या तो वो डिनाई कर दे या तो वो आए ही ना अवार्ड फंक्शन में. बट कंगना जी ने सीधा केस कर दिया फिल्म फेयर वालों पे कि मेरे को कहीं को नॉमिनेट किया. मेरे को होने कहीं नहीं नॉमिनेट, मेरे को कहीं को नॉमिनेट किया. उसके बाद क्या फिल्म फेयर वालों ने डर के नॉमिनेशन वापस ले लिया एंड बोला दीदी सॉरी दीदी. सही है भाई, कुछ अवार्ड्स में लोग पैसे देके अवार्ड लेते हैं और कुछ अवार्ड्स भाई फ्री में मिल रहे फिर भी कंप्लेन कर देते उनपे. ओके आई डोंट नो क्या. बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ. ओके चुम्मेश्वरी साउथ. चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है तेलंगाना से. तो तेलंगाना में एक दूल्हा था मस्त सज धज के, उसकी शादी होने वाली थी. फिर अचानक शादी में वो जब बाहर आया तो बोलने लगा कि मैं बाथरूम में स्लिप होके गिर गया एंड मेरी कमर टूट गया, अब मैं शादी नहीं कर सकता. क्या हो रहा है? True story. Yes, and वो बोलने लग गया कि मैं बहुत बीमार हूँ एंड फिर जाके उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया एंड फिर हॉस्पिटल वालों ने कुछ घंटे की जांच करने के बाद बताया कि भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो नाटक कर रहा है. इतनी खराब एक्टिंग वो कर रहा था एक्चुअल में कि वो पकड़ा गया.
बात ये थी भाई को 25 लाख मिलने वाले थे दहेज में, यस 15 लाख उसको एंगेजमेंट के मिल गए थे और 10 लाख उसको शादी के बाद मिलने वाले थे। भाई शादी कर रहे हो या दूल्हे की एडवांस बुकिंग कर रहे हो? सीरियसली चल क्या रहा है भाई इंडिया में? हाँ भाई सही है, लोग ऑफिस में सिक लीव लेते हैं, ये पहला बंदा है जिसने अपनी शादी में ही सिक लीव ली। और ये बंदा यूएस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यस ये यूएस से पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, यूएस से पढ़ाई करके यहाँ आके 25 लाख दहेज ले रहा है। डोनाल्ड भाई सही बोलते थे, मेक अमेरिका वेट अगेन। भाई भाई और क्या, बारिश गायब हो गई है, गर्मी शुरू हो रही है एंड स्किन डल हो रही है, तो भी एक नंबर करो कुछ पार्टनरशिप। आई कैन सी दैट बट आई कांट यूज एनी ऑफ दीस। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला है पानी के अलावा कुछ मत लगाया करो, जस्ट डोंट यूज एनीथिंग एल्स। बट आई मीन दैट्स, अगर आपके सीन स्किन पे वर्क करता है तो विटामिन सी इज रियली गुड फॉर स्किन, इट्स ट्रू। मेरी स्किन सेंसिटिव है, इफ आई यूज विटामिन सी सीरम्स पिंपल्स आते, मेरे लिए इट्स अ बिग नो। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट फॉर स्किन। वी वॉन्ट अ स्किन केयर रूटीन बट नॉट स्पॉन्सर्ड, द थिंग्स दैट ही एक्चुअली यूजेस एंड वॉट ही यू नो वर्क्स फॉर एंड वर्क्स बाय, दैट बी नाइस। गुड स्किन केयर, ही इज अ गुड स्किन सो वाई नॉट। ऐसा लग भी रहा है कि ही माइट बी टेकिंग केयर ऑफ इट एज वेल, सो आई लाइक दैट। खान हटाकर अपनी वाइफ का सरनेम कुमार लगा लिया, यस कमाल आर कुमार। ओके मैं तो बोलता हूँ भाई कमाल हटा देते, कमाल नहीं हो कमाल ही हटा देते। एनीवेज ये न्यूज नहीं है, न्यूज ये है कि कमाल आर खान को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उनके 2-3 साल पुराने ट्वीट के लिए। ये आप देख सकते हो ट्वीट्स, ये ऋषि कपूर और इरफान खान की मौत के ऊपर कुछ जोक्स मार रहे थे, ज्यादा ही डैंक बन रहे थे। देखो बाकी कोई खुश हो ना हो, सबसे ज्यादा खुश करण जौहर होगा। क्यों? अच्छा ओके, बिकॉज़ ही गॉट अरेस्ट। ओह नो। बढ़ते बढ़ते हमारे मोस्ट लव सेगमेंट, एक बिहारी सब पे भारी। तो भाई एक बिहारी सब पे भारी में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। okay. तो आज न्यूज है बिहार के गांव के पुलिस स्टेशन। यस तो ये पुलिस स्टेशन 8 महीनों से चल रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये पुलिस स्टेशन में जब भी लोग जाते थे पुलिस वाले उनसे पैसे ले लेते थे, यस एंड उनको लूट लेते थे। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो असली पुलिस स्टेशन है ही नहीं, चोरों ने अपना पुलिस स्टेशन बना लिया। क्या हो रहा है? This is amazing. और I'm crazy of course. पुलिस स्टेशन 8 महीनों से चल रहा था। मैंने राजा नटवरलाल मूवी देखी थी, उसमें एक फेक बैंक बनाते, लेकिन फेक पुलिस स्टेशन पहली बार देख रहा हूँ। वो मीम है ना, और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। एंड यहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे पुलिस की वर्दी में, सबको दिन के 500 रुपए मिलते थे एक्टिंग करने के। मैं बता दूं मैंने काफी स्ट्रगल किया है एंड हमें भी एज अ जूनियर आर्टिस्ट 500 ही मिलते थे। भाई लोग ने प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस बनाया है। बट एनीवेज एक बिहारी पुलिस स्टेशन पड़ गया पूरे गांव पे भारी। और क्या अगली न्यूज आ रही है गुजरात के वडोदरा से। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम चल रही थी, एक्चुअली रेलवे की रिक्रूटमेंट चल रही थी। तो वहां पर एंट्री के लिए आपको तो पता ही आधार कार्ड से हमारा बायोमेट्रिक होता है, अंगूठा लगाते तब हमें एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मनीष शर्मा से। तो मनीष शर्मा जी को भर्ती होना था रेलवे में, बट मनीष शर्मा जी को पढ़ाई नहीं करनी। क्या किया इन्होंने, गरम तवे पर अपना अंगूठा रखा, यस, और अपनी स्किन। फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं उनके दोस्त गुप्ता जी, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अच्छा, okay. तो मनीष जी ने सोचा कि गुप्ता भाई के अंगूठे पर मेरे अंगूठा चिपका दूं। यस ये एक्चुअल में हुआ। और फिर गुप्ता जी गए एग्जाम में, गुप्ता जी ट्राई कर रहे बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है। फिर क्या वहां के अधिकारियों ने बोला भाई सैनिटाइजर मार ले, और जब सैनिटाइजर मारा चमड़ी निकल गई अंगूठे वाली। अपने आप को जला कर अंगूठे की चमड़ी ही उतार दी। सोचिए किस तरह का देसी जुगाड़ था। देसी जुगाड़ था। ओ भैया धूम 4 के विलन हो के मत करो।
so dumb. इतना दिमाग और मेहनत पढ़ाई में लगा ली होती ना, ये सब की जरूरत भी नहीं पड़ती. थोड़ा बहुत पढ़ लेते यार. सही में अंगूठा छाप भी नहीं. और ये ना, पहले तुम लोग अंग्रेजी मूवीज और टीवी शोज देखना बंद करो, उसके वजह से आधा तो ब्रेन वॉश हो रहा है तुम्हारा. बाकी इनका प्लान चला हो ना चला हो, लेकिन भाई दोस्ती बड़ी लंबी चलेगी. बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी. यूपी इज ओपी में एक आदमी एक महीने से पाम के झाड़ पर, पाम ट्री पर रह रहा था. यस, उसने उसका घर बना लिया था, खाना पीना सब वहीं पे करता था. फिर जब उसको पूछा गया कि भाई क्या है ऊपर क्यों, तो उसने बोला कि भाई बीवी बहुत तंग करती है. बीवी मारती है मेरे को. ओह नो, क्या करें, हम मर्द है ना. देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही अच्छा. होता है. चाचा मेरी बात सुनो, रात को किसी ने पेड़ पर देख लिया ना आपको, भूत समझ के हार्ट अटैक आ जाएगा. जब पहले आएगा तो चलो, चाचा को चढ़ना आता है पेड़ पे. कभी सोचा है जिनको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता उनका क्या होता होगा. देखो ये तो स्टोरी का एक पार्ट है. दूसरा पार्ट, गांव की औरतों ने कंप्लेन किया कि ये भाई इसको झाड़ पे से सब दिख रहा है, सबके घर के अंदर दिख रहा है. अच्छा। हमारी प्राइवेसी तो बची नहीं. चाचा सच सच बताओ, बीवी परेशान कर रही थी या शौक है. बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, इंटरनेशनल इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है एक ब्रांड की. यस, आपने गेस कर ही लिया होगा कौन सा ब्रांड. बैलेंसियागा. अच्छा. यस, जो फटे हुए जूते 1 लाख के बेचते, जो कचरे की थैली 2 लाख की बेचते, अब उन्होंने इयररिंग्स निकाली 21,000 रुपए की. अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है इयररिंग्स ही है, इससे भी महंगी महंगी इयररिंग्स आती है. लेकिन मैं आपको इयररिंग्स दिखा दूं. यस, ये लोग तो है ही क्रेजी, पर तो लेते हैं ये. बच गई थी क्या? दे आर क्रेजियर. बच गई थी क्या? वही इयररिंग्स बोल के बेच रहे हो. देखो जनता को आपने क्या समझ रखा है, रणवीर सिंह. आई डोंट थिंक रणवीर सिंह विल लाइक दैट. पैंट का नाड़ा बेचोगे 1 लाख का, बोलोगे ये तो गले का नेकलेस है, ऐसा थोड़ी चलता है यार. बढ़िया है गुरु, बढ़िया. बढ़िया से याद आया, छत्तीसगढ़ का एक गांव, तो छत्तीसगढ़ का एक गांव का यूट्यूबर गांव बन गया. यस, ये दो तीन लोगों ने शुरू किया था, उसके बाद पूरा गांव यूट्यूब वीडियोस बना रहे. यस, कुछ एंटरटेनमेंट कैटेगरी के वीडियोस बना रहे, कुछ एजुकेशनल वीडियोस बना रहे, लेकिन पूरा गांव वीडियोस ही बना रहे. दैट्स अमेजिंग. ये सही है भाई, सभी दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं. एक काम करो, एक दूसरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बहुत आगे बढ़ो. ई लफड़ा भी नहीं कर पाते होंगे, इनका ई लफड़ा भी ना रियल लफड़ा बन जाता होगा. क्रिंज कंटेंट पड़ोस वाला बना रहा है, उसको रोस्ट उसके पड़ोस वाला कर रहा है, और उस रोस्ट पे रिएक्ट उसके पड़ोस वाला कर रहा है, और उस रिएक्शन पे रोस्ट अगेन उसके पड़ोस वाला कर रहा है. आपके पास भी ऐसी कोई फनी सी न्यूज है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हो, एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना @MahesKeshwala. बिकॉज न्यूज में हाफ ऑफ द टाइम कुछ अच्छा नहीं आता है, कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, समथिंग ऑलवेज रिलेटेड टू, या फिर कोई दूसरा वायरस आ रहा है, पैंडमिक्स आ रहा है, इट इज ऑल सो डिप्रेसिंग टू माई मेंटल हेल्थ. तो मैं तो आई थिंक जब से कोविड जैसा हुआ था, आई स्टॉप्ड वॉचिंग न्यूज इन जनरल. लेकिन ऐसा न्यूज़ देखने को मिले तो वाई वोंट आई सी इट. लाइक दिस इज सो अमेजिंग, एंड ही ऑल्सो टेक्स अ रियली फन वन, सो बहुत मजा आया. आई लव्ड इट सो मच. होप यू डिड इट एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. Bye, berries. I love you.